आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं सिमरिया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी प्रमोद शर्मा ने आज प्रेस वार्ता में जरमोहरा बांध में हुई प्रशासन की कार्यवाही का विरोध करते हुए जिला प्रशासन एवं सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रमोद शर्मा ने कहा कि जरमोहरा बांध में पिछले 40 वर्षों से डूब से बची जमीन पर सिंचाई विभाग की अनुमति से सैकड़ों गरीब किसान मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार खेती करते हैं, जिसके लिए वह बाकायदा रसीद भी कटवाते आ रहे हैं। इसलिए राजनीतिक विद्वेष के चलते सिमरिया विधायक के इशारे पर सिंचाई विभाग के द्वारा इस जमीन पर कार्यवाही की गई और प्रशासन के लोगों ने बेवजह कच्ची धान पर जेसीबी और हार्वेस्टर चलाया। इस तरह हरी फसल पर हार्वेस्टर चलाने की ये घटना हिंदुस्तान में पहली बार हुई। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि घटना के बाद यह प्रचारित किया जाने लगा कि इस जमीन पर गरीब लोगों को पट्टा दिया जाएगा, लेकिन यह घटना को छुपाने के लिए झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि इसके बाद में बरगी का पानी गिराए जाने की योजना है, तो फिर पट्टे वाली बात कहां से आई, या फिर यह जरमोहरा बांध खत्म करने के प्रशासन की योजना है। दोनों ही बातों पर प्रशासन की कार्यवाही सरासर गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने इस गैर जरूरी कार्यवाही पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिससे उनकी मंशा पर प्रश्न चिन्ह है। मेरे लोग साथ में 22 लोग चुनाव लड़े थे और वहां से विधायक जो है केपी त्रिपाठी वहां से चुनकर आए, जो आज के विधायक है। अब ये प्रेस वार्ता आज हमने आयोजित की इस बात के लिए, कुछ दिन पहले जो मालूम चला होगा जरमोहरा जो बांध है सिमरिया के बिल्कुल समीप है, उस पर जो है जो शासन प्रशासन जो जमीन अलॉट करता है उस जमीन पे जो है आदिवासियों द्वारा वहाँ के भूमि स्वामी जो पहले भूमि स्वामी जो नियम मध्य प्रदेश का शासन का नियम है, उस नियम के तहत जो है जो स्वीकृति की जाती है उस जमीन पे हमेशा से ये लोग जो है अपनी जो है लास्ट टाइम से 40 सालों से खेती करते आ रहे हैं। उसके बाद जो है अभी जो है लास्ट टाइम पे जो है 31 तारीख को जो है ये एक घटना घटती है, जिसपे जो है वहाँ पर जेसीबी चलाने की बात बोलती, पहले जाके वहाँ पर अल्टीमेटम उनको बताया जाता है, लोगों से बातचीत की जाती है, उनके जो वहाँ पर किसान हैं उनको बोला जाता है कि तुम इस बात को मानो, उस बात को जब नहीं मानते तो दो दिन पहले अभी जो है वहाँ पर अचानक से जो है बिना अनुमति, इसमें जो एक दो तीन लोग जिनके साथ में घटना घटी है, एक यादव हैं रामकलेश यादव जी हैं, उसके बाद जो सोनू कोल हैं जिनका नाम इस पर होगा, वो लोगों के द्वारा जो है बिना उनको नोटिस दिए अचानक से जेसीबी पहुँचती है और जेसीबी पहुँचने के बाद जो है प्रशासन के सारे लोगों के साथ वहां पर लोगों के द्वारा विरोध होता है और वहां पर जो है हरी फसल जो है हिंदुस्तान के पूरे इतिहास में आज तक कभी भी अतिक्रमण हटाने के लिए किसी प्रकार से हरी फसल को जो है नहीं काटा गया, जो कि ये जमीन जो है 34 एकड़ का पूरा प्लॉट है, जिसमें जो है जरमोहरा बांध जब बना था उस बांध पे जो है ये जो खाली हिस्सा होता है मध्य प्रदेश शासन ये कहती है कि जो भूमि स्वामी होगा उसको पहले अलॉट किया जाएगा, उसके बाद जो है दूसरे लोगों को अलॉट किया जाएगा, लेकिन वो जमीन पे किसी का पट्टा नहीं हो सकता। इस बात को लेकर जो है पहले से ये लोग करते आ रहे थे, लेकिन अचानक से जो है ये जो एक व्यक्ति जिसका नाम लोकेश सिंह लिया जा रहा है, उस व्यक्ति के कारण, क्योंकि और वो एक जो कटाई गांव है उस कटाई गांव में लगभग जो है 400 परिवार जो है वो आदिवासी हैं, उन आदिवासी परिवार पे इसलिए है क्योंकि हरी फसल काटी गई। हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में सिमरिया विधानसभा में 69 पे जो है आपको जो हरी फसल काटी गई, जो कि है मां के पेट पे भ्रूण हत्या जैसा कृत्य है और किसान के जो पुत्र कहलाते हैं और जिनको दुख दर्द होगा फसल की हरी फसल कट जाने के, उनको दुख है इस बात के लिए। कौन दोषी है? इसके लिए दोषी जो है वहां के विधायक हैं जिनके क्षेत्र के में ये काम हुआ, उन्होंने अफसोस तक जाहिर नहीं किया इस बात के लिए भ्रूण हत्या के पूर्ण को दिलाते हैं। विधायक का फायदा यह है, क्योंकि वहां के लोग कह रहे थे, राजनीतिक लोग हैं वहां के लोग, कहते हुए लगातार आरोप लगा रहे हैं, क्यों कह रहे थे कि हमारा ये आप मेंबरशिप लीजिए, हम मेंबरशिप नहीं लिए, इस कारण से 40 साल से हमको संरक्षण मिलता रहा था राजनीतिक लोगों का, आज जो है इनके द्वारा भी, इनके पिछले 3 साल भी हमने इनके काल में किया, तब इन्होंने नहीं किया, जब हम इनमें शामिल नहीं हो रहे हैं तो हमारे साथ में सारे लोगों को ये काम